छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अपने गृह ग्राम बगिया में मोर बूथ मोर अभियान सदस्यता कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की और बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत स्थानीय लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने पार्टी के 50 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य की बात की और जशपुर जिले में 40,000 नए सदस्यों के जुड़ने पर खुशी व्यक्त की। सस्ता अभियान रिकॉर्ड तोड़ बनवा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और आज आपने सस्ता अभियान बनाया? आज हम लोगों के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसलिए सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल जयंती की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है, संगठन का सदस्यता अभियान, और आज दीनदयाल जी की जयंती के अवसर में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहाँ पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है, पिछले बार 37 लाख थे सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ा के 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। तो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लक्ष्य पार करेंगे। झारखंड किला पता करने जा रहे हैं, क्या बोलिए? हाँ, वहाँ पर परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी के तरफ से चलाया जा रहा है और उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी है। आज हमको भी वहाँ पर जाना है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, छत्तीसगढ़ में सर साए साए काम हो रहा है, सर सभी पर धाए धाए कब होगा?